हाय दोस्तों, स्टडी तक 2.0 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम सदिश राशियां तथा अदिश राशियां पढ़ने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सदिश राशियों के बारे में सीखेंगे। सदिश राशियां, देखिए सदिश राशियां होती क्या है। देखिए भाई, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, भार आदि हमारी क्या हैं, सदिश राशियां हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको नोट कर ही दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये सदिश राशियां की परिभाषा यहाँ पे लिख दी है और कुछ उदाहरण भी लिख दिए। अब देखिए, मतलब परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यह कैसे समझेंगे। अब हम यहाँ पर बल का उदाहरण लें। मान लीजिए कोई 10 न्यूटन का बल है। अगर मैं इसे बोल दूँ कोई 10 न्यूटन का बल है जो लग रहा है, तो ये भी बताना आवश्यक होगा कि किस दिशा में लग रहा है। जैसे मैंने कहा कोई 10 न्यूटन का बल है जो पश्चिम दिशा की ओर लग रहा है। अब यहाँ पे हमें सही दिख रहा है कि कोई 10 न्यूटन का बल है जो पश्चिम दिशा की ओर, या फिर यहाँ पे कोई एंगल दे दिया जाता तो वो सही होता। परंतु अगर हम यहाँ पर 10 न्यूटन का ही प्रयोग करते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 न्यूटन हमारा परिमाण है। यहाँ पर परिमाण की बात आई थी कि परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 10 न्यूटन हमारा क्या है, परिमाण। परिमाण की बात करें तो परिमाण क्या है, माप होता है। एक परिमाण या फिर किसी चीज की माप तौर होती है परिमाण। तो अब देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं अदिश राशि की। अदिश राशियां, अदिश राशियां क्या होती हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए जिनको पूर्णता व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए मैं इसे यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए हैं यहाँ पे, जैसे दूरी, आयतन, घनत्व, ताप, द्रव्यमान आदि क्या है, अदिश राशियों के उदाहरण। अब देखिए हम यहाँ पे ताप की बात करें, अगर हम यहाँ पर ताप को परिभाषित करें, मान लीजिए कि किसी कमरे का तापमान क्या है, कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यह कहना पर्याप्त होगा। अर्थात हमें अच्छे समझ में आ रहा है कि कमरे का ताप 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें यहाँ पर दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है बताने की कि हमारा ताप ऊपर की ओर बढ़ रहा है या नीचे की ओर घट रहा है। तो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।